लैंप दे रखे हैं जिसमें आपको सिल्वर कलर से ब्रेक हैंडल देखने को मिलता है। यहाँ पे आप दोनों तरफ देख सकते हैं सिल्वर कलर से ब्रेक हैंडल देखने को मिलता है। ऊपर आपको मिरर की जो क्वालिटी है वो आपको देखने को मिलती है। यहाँ पर आपको कांच फिनिश जैसा लगता है लेकिन ये एक सिल्वर कोडिंग करी गई है। यहाँ पर आपको स्टैंड में आपको एक अलग सा स्विच देखने को मिलता है जिसको स्टैंड लगाते समय आपका जो मोटर है वो वर्क करना बंद कर देगा। और स्पेस भी यहाँ पर काफ़ी अच्छा देखने को मिलता है। ऊपर आपको यहाँ पर आपको चार्जिंग पोर्ट देखने को मिलता है और यहाँ पर स्पेस देखने को मिलता है। सामने की तरफ आपको डिग्गी स्पेस देखने को मिलता है जो कि मैं अभी आपको दिखाना चाहूँगा। तो डिग्गी स्पेस मैं आपको दिखाना चाहूंगा। डिग्गी स्पेस काफी ज्यादा बड़ा है और इसमें आप अपने पानी की बोतल, पर्स कुछ भी रख सकते हैं जैसे कि अन्य चीजें। यहाँ पर मैं इसको बंद करता हूँ और यहाँ पर अभी आपको देखने को मिलता है लॉक अनलॉक की बटन जिसको आप लॉक अनलॉक कर सकते हैं अपनी की सहायता से और एंटी डेफ्ट अलार्म लॉक से भी। तो यहाँ पर मैं आपको चाबी दिखाना चाहूंगा। चाबी तो काफी अट्रैक्टिव लुक देती है और जो इसका जो एंटी डेफ्ट रिमोट कंट्रोल है ये भी काफ़ी अच्छा है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं चाबी जैसे ही आप इसके अंदर लगाएंगे, ऑन करेंगे और ऑफ करेंगे तो आपको एक सायरन सुनाई देगा जो कि मैं आपको दिखाना चाहूँगा। ये देख सकते हैं काफ़ी अच्छा सायरन इसमें सुनाई देता है। पीछे की साइड देखेंगे तो आपको कॉस बाइक की ब्रांडिंग देखने को मिलती है, नीचे हब मोटर देखने को मिलती है और पीछे इलेक्ट्रिक की ग्रीन नंबर प्लेट देखने को मिलती है जो कि कॉस बाइक से लगाई गई है। यहाँ पर आप देख सकते हैं पीछे की तरफ आपको बैक लाइट देखने को मिलती है जो कि रेड कलर से बनाई गई है और जो साइड में इंडिकेटर्स का लुक दे रखा है वो भी काफ़ी अट्रैक्टिव दे रखा है। और जो दूसरी साइड की बात करी जाए तो ये भी काफ़ी प्रीमियम दे रखा है। तो अब हम लोग देखते हैं सीट की क्या खासियत है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जिसकी सीट है वो काफ़ी मुलायम है और बहुत आरामदेह है। तो अभी हम लोग इसको देखते हैं और इसमें देखते हैं कि डिग्गी स्पेस दे रखा है कि नहीं दे रखा है। तो चलिए देखते हैं कि डिग्गी स्पेस दे रखा है कि नहीं दे रखा है।
चाबी को लगाते हैं और देखते हैं डिग्गी, इस पे चाबी को घुमाया और अपनी डिग्गी को ओपन किया तो यहाँ पर आपको देखने को मिलती है काफी सारी चीजें जो कि बहुत ही अच्छी देखने को मिलती है। डिग्गी स्पेस भी देखने को मिलता है, आपको एक कार्ड मिलता है जो कि सभी गाड़ियों में मिलता है, इलेक्ट्रिक की अगर आप कोई भी गाड़ियां लेंगे तो उसमें आपको कार्ड देखने को मिलेगा। इसके अंदर देखते हैं क्या मिलता है, तो देख सकते हैं इसमें भी काफी अच्छे अच्छे सामान जो कि मौजूद दे रखी है कंपनी, ये बहुत ही अच्छी बात है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कॉस बाइक की एक बुकलेट दे रखी है, उसके बाद यहाँ पर आपको एक पेचकस दे रखा है, दो रिंचे दे रखी हैं, तो ये सारी चीजें कई कंपनियां नहीं प्रोवाइड करती हैं, ये वाली कंपनी प्रोवाइड कर रही है। एनसीवी कट ऑफ भी दे रखा है, अगर आपकी शॉर्ट सर्किट होती है अंदर तो ये एनसीवी कट हो जाएगी। अब देखते हैं इसमें मेन चीज तो रह गई है जो हैंडल परफॉर्मेंस है वो देखते हैं, तो हैंडल परफॉर्मेंस में आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको इंडिकेटर देखने को मिलेगा, हॉर्न बटन देखने को मिलेगी, अपर डिपर देखने को मिलेगा, साइड में आपको थ्री स्टेप गियर मोड देखने को मिलेगा, मोबाइल चार्जिंग पोर्ट देखने को मिलेगा और यहाँ पर हेडलैम्प जो एलईडी हेडलैम्प है उसका आपको स्विच देखने को मिलेगा, आप भी उसको ऑन ऑफ कर सकते हैं। साथ में आपको यहाँ पर जो मोबाइल चार्जिंग सॉकेट दे रखा है ये भी काफ़ी अच्छी क्वालिटी का है, ये फास्ट चार्जिंग भी सपोर्ट कर सकता है। अगर आप चाबी को लगाते हैं और अपनी जो एलसीडी को देखते हैं तो एलसीडी आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छी एलसीडी दे रखी है, लेकिन ये ब्लैक एंड वाइट है। एलसीडी आपको देखने को मिलती है, यहाँ पर आपको किलोमीटर देखने को मिलेगा या स्पीडोमीटर देखने को मिलेगा और बैटरी लेवल इंडिकेशन देखने को मिलेगा, यहाँ पर आपको देखने को मिलते हैं। अब मैं आपको जो चीज़ दिखाने जा रहा हूँ वो बहुत ही अच्छा इंटरेस्टिंग है और यहाँ पर अभी जो गाड़ी है वो खड़ी हुई है, आप देख सकते हैं पूरी अच्छी तरीके से गाड़ी खड़ी हुई है, डबल स्टैंड भी और सिंगल स्टैंड भी लगा हुआ है, तो मैं अभी सिंगल स्टैंड का कमाल दिखाने वाला हूँ आपको। देख सकते हैं गाड़ी स्टार्ट हो चुकी है और गाड़ी में लाइट भी जल रही है, लेकिन एक्सीलेटर लेने पे ये आगे नहीं बढ़ रही है, जैसे ही स्टैंड हटाएंगे एक्सीलेट करेंगे आगे बढ़ जाएगी, जैसे ही स्टैंड लगा होगा और एक्सीलेटर लेंगे तो आगे नहीं बढ़ेगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं पूरा, और स्टैंड हटाया एक्सीलेटर लिया गाड़ी आगे बढ़ गई। गाड़ी को अब हम लोग चला के देखते हैं कि इसका परफॉर्मेंस कैसा है और मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि इसका परफॉर्मेंस कैसा है। यकीन मानिए आप गाड़ी का परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा है, जो कि कॉस बाइक इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस क्रिएट कर रही है, और यहाँ पर अगर आप लेना चाहेंगे तो काफ़ी अच्छा डिस्काउंट भी मिल सकता है कॉस बाइक की तरफ से, और ये बहुत ही अच्छी गाड़ी है। और इसकी जो बैटरी वारंटी है वो 3 साल की है, मोटर कंट्रोलर पे 1 साल है, और यहाँ पर काफ़ी अच्छे फीचर जो कि आपको देखने को मिलते हैं, एंटी डेफ्ट अलार्म लॉक जो कि बहुत ही अच्छे अच्छे आपको यहाँ पर फीचर देखने को मिलते हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छा आप परफॉर्मेंस क्रिएट कर रहे हैं। इसका जो पिकअप है वो भी काफ़ी अच्छा है और जो स्मूथली वर्क भी करती है, आपको इसमें बिल्कुल भी नॉइस सुनने की कहीं पर भी ऑप्शन नहीं मिलेगा।